तेरी गाड़ी बीच रास्ते पर पड़ी मिली। शिवम क्या हुआ? चले आयशा आयशा आयशा। शिवम सुलह करने आए। हाँ रिलैक्स मुन्ना प्लीज। अभी नहीं छोड़ने का रोनी बात ही तो कर रहे हैं। साले का मुंह तोड़ने वाला रोनी मुन्ना बाद में प्लीज मेरी छोड़ मैं बैठ जा प्लीज बैठ जा बस। हाँ बैठ। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूं। मेरा धंधा लोगों को मारना नहीं है, लेकिन कोई मेरे धंधे में टांग अड़ाए तो मैं उसे मार देता हूं। तू मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, मेरे धंधे में, मेरे बेटे के साथ, पर मैं तुझे माफ कर दूंगा क्योंकि तू मेरे भाई का कुत्ता है। लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। पांव छू माफी मांग। क्या बोला था तेरे को? दोबारा यहाँ नहीं आने का। समझा? दोबारा यहाँ आने का नहीं। समझा तू? क्या नीचे कर जा। पिस्टल नीचे कर। पिस्टल नीचे। रिलैक्स। जो मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि तू जब चाहे उसे ले सके। सुलह करने आए थे ना, तो एक बात ध्यान से सुन लो, आइंदा मेरे रास्ते को काटने की कोशिश भूले से भी मत करना। अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बच्चों को 2 मिनट का वक्त देता हूं। महंगा पड़ेगा। राजन भाई है मलिक साहब का। मैं तुझे पैर पकड़ के माफी मांगने को तो नहीं कह रहा हूं ना दोस्त, तुम्हें तेरा अबे फिक्र होती है तेरी, पर पता नहीं आजकल ऐसे क्यों लगता है कि तू फिर से वहीं लौट गया है जहां से। गुड नाइट, सी यू, बाय। ओ हेलो। हाँ
अपना बैग तो लेती जाओ। अरे सॉरी सॉरी, नहीं तो आधी रात को हम गरीबों को परेशान करेंगे। बड़ी बात है इतनी रात का किसी का पीछा करना, उन पे नजर रखना, ये तो एक किस्म की चोरी हुई ना। वो मैं बहाने मत बनाइए, मुझे मालूम है कि आप मालिक साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं। तो आप क्या इरादा है, पीछा करके तो आपने देख लिया, अगर अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो बैठी गाड़ी में रात भर। आप कहें तो मैं आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर जाइए, मैं जा रहा हूं, आप जाइए। हाँ कबीर, कहाँ है तू शिवम? क्लब में क्या हो रहा है? रोनी आया है, मिलना चाहता है। नहीं, मुझे रोनी से बात नहीं करनी है। लेकिन उसको बोल कि मैं उसको हेलो हेलो, तू ठीक है शिवम? हेलो शिवम, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, कोई गाड़ी गाड़ी क्या बोल रहा है तू? हेलो शिवम, क्या बोल रहा है तू? तू ठीक तो है? मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ तुम्हें अपने मुल्क वापस ले जाने आया हूँ। रीमा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रीमा वापस चलो। बिलाल, जब मलिक साहब मुझे यहाँ लाए थे तो मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था, अब मैं सिर्फ उनकी गुलाम हूँ, नहीं देखती मैं आजादी के सपने। रीमा, तुम एक दोजख से दूसरे दोजख में खिंची चली जा रही हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रीमा, मेरी बात मानो, अपने मुल्क वापस चलो। रीमा, अपने वतन वापस चलो। रीमा, तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अपनी आजादी के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, और अगर मलिक के लोगों ने हमें साथ ही देख लिया तो वो वहां डालेगा ना मुझे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कैद में रहते हुए नहीं देख सकता। रीमा, लेकिन बिलाल, रीमा बोलो, मेरी बात मान, हमारे पास सिर्फ आज की रात है। रीमा, आज वो शिवम भी तुम पर नजर नहीं रख रहा। मैंने 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 लाहौर जाने की दो टिकटें बुक कर ली है। रीमा, मेरी परवाह मत करो। रीमा, बस अपना बैग पैक करो, चलो।